संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए। सपने को संकल्प में परिवर्तित करके उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का एक परिश्रम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत के अंदर ऐसे तत्व हैं जो भारत को छोटे दिखाने में लगे हुए हैं। अयोध्या का विमानतल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों के द्वारा कल होने जा रहा है। ये केवल अयोध्या के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, केवल भारत संपूर्ण भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, ये हम सब लोगों की एक जिज्ञासा थी। प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए। जहां एयरपोर्ट के अंदर, विमानतल के अंदर अति आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध है, वहीं उस विमानतल का संपूर्ण आकार पुरानी वस्तुकला, पुरानी मंदिर की संस्कृति, मंदिर का आर्किटेक्चर के आधार पर पूर्ण रूप से किया गया है। अंदर के द्वार में और संपूर्ण अंदरूनी क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूर्ण जीवन की अलग अलग शैलियां भारतीय कला और संस्कृति और क्षमता के आधार पर अलग अलग दृश्य में दिखाई गई हैं। पट्टचित्र के आधार पर, राजा रवि वर्मा जी के आधार पर, और यही एक सोच, विचारधारा और आदेश प्रधानमंत्री जी का स्वतः सदैव रहा है कि अति आधुनिक व्यवस्था हो लेकिन भारत के हर एक कोने में भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत की प्राचीन वैभव, भारत की प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप हर एक हवाई अड्डे पे दिखे, और उसी कल्पना को और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी कोशिश रही है। सर, अयोध्या कैसे विश्व से जुड़ेगा? क्या हम इसकी कल्पना करें कि जल्दी वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिले उसे? पूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया जा रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूर्ण सुविधा अयोध्या को जरूर मिलेगी। वर्तमान में 6500 स्क्वायर मीटर की क्षेत्रफल में ये एयरपोर्ट बना हुआ है। करीब 13 से 15 एप्रन है एयरपोर्ट प्लेन्स के लिए। हर तरीके का विमान, एयरबस A321, बोइंग 737 वहां उतर पाएगा। द्वितीय भाग में इस रनवे को भी हम आगे जाके बढ़ाने वाले हैं ताकि बड़े विमान भी यहां आ पाए। जहां वर्तमान में 6500 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट बन चुका है, द्वितीय भाग में हम लोगों की कल्पना है कि 50,000 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट टर्मिनल बने, मतलब कि 5,00,000 स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट का टर्मिनल बने। तो ये संभावनाएं हैं अयोध्या के लिए। कल एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के करकमलों के द्वारा किया जा रहा है और आने वाले 22 तारीख को, जनवरी के 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर में, जो
केवल 140 करोड़ भारतीय जनता का सपना नहीं, लेकिन विश्व में बैठे हुए भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति का सपना था। 500 साल पुराना एक सपना, 5000 साल पुराना एक सपना है, और उसे अगर किसी ने साकार किया है और सपने को संकल्प में परिवर्तित करके उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का एक परिश्रम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजनीति भी शुरू हो गई है, कई लोग कहते हैं कि हमें बुलावा आया, हम जाएंगे नहीं, कई लोग कहते हैं बुलावा नहीं आया। ये अजीब विसंगति है, बुलाया जाए तो कठिनाई की कैसे बुलावे से कन्ना काटा जाए, न बुलाया गया तो क्यों नहीं बुलाया गया। और मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि जहां भारत की भव्यता प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास और परिश्रम के आधार पर विश्व पटल पर भारत एक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, वहीं भारत के अंदर ऐसे तत्व हैं जो भारत को छोटे दिखाने में लगे हुए हैं, जिनका मन छोटा हो, जिनकी सोच छोटी हो, उनको विस्तुतिकरण के बारे में हम पाठ नहीं सिखा सकते। लेकिन शायद आने वाले दिनों में, अप्रैल और मई के माह में, देश की जनता विस्तुतिकरण की पाठ उन्हें सिखा देगी।